चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान है और इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर पीएम मोदी ने खुलकर एक तरह से चर्चा की है। चुनाव से पहले काफी अहम इस इंटरव्यू को, इस बातचीत को माना जा रहा है और इसी इंटरव्यू पर और बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो कि सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH के, इस वक्त हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, बहुत आपका स्वागत है। moneycontrol.com पर पीएम मोदी जी का सोढ़ी जी जो इंटरव्यू है, उसकी एक तो टाइमिंग ठीक, चुनाव से पहले ये इंटरव्यू, और दूसरी तरफ सोढ़ी जी जो बात पीएम मोदी जी को लेकर विपक्ष बार बार उठाता है कि पीएम मोदी कभी मीडिया के सामने नहीं आते हैं, प्रेस में सामने नहीं आते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो इन तमाम चीजों का जवाब एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष को दिया है। देखिए हुरेरा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो इंटरव्यू moneycontrol.com को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये आज तक का उनका पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है, जो नेटवर्क 18 ग्रुप के ग्रुप एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल जोशी और उनके बाकी कलीग्स ने ये इंटरव्यू लिया है। और काफी चीजों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में बात की है। बिल्कुल किसी भी मुद्दे पे वो चुप नहीं रहे हैं। हर एक मुद्दे पे जो जो सवाल उनसे पूछा गया, उसके बारे में उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। देखिए, प्रधानमंत्री से 2024 के बारे में पूछा गया था, क्योंकि ये सारा देश जानता है कि 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन ड्यू है। प्रधानमंत्री का ये बयान कि देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब वो लोगों के पास गए तो लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें उन पे भरोसा जताया, उन्हें चुना और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। और सिर्फ एक बार नहीं, दूसरी बार 2019 में फिर उन्हें प्रधानमंत्री बना के लोगों ने उन पे अपना भरोसा जताया। तो प्रधानमंत्री ने एक चीज कही कि पिछले 9 साल में, यानी जो अभी 10वां साल पूरा होने वाला है, टेन्योर खत्म होने वाला है, तो उन्होंने ये कहा पिछले 9 साल के इस टेन्योर में पूरे हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर एक चीज में देखा है इन्वॉल्व होते, चाहे वो चंद्रयान की लॉन्चिंग हो, रिसेंटली जब वो अमेरिका गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर किस तरह उन गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी पहले दिन से, कल से जब हम इस इंटरव्यू के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट चीज ये कही थी कि उनका मंत्रा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पूरे देश को देखिए, 140 करोड़ आबादी है इस देश की, सबको साथ लेकर सबके विकास के बारे में सोचना कोई छोटी बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री का ये जो मिशन है, वो इस मिशन मोड पे लगे हुए हैं डे वन से, जब से उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री का कारोबार संभाला, तब से लेकर आज तक वो इस जो उनका ये मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस चीज को ग्लोबल कम्युनिटी ने भी एक्सेप्ट किया है। प्रधानमंत्री की जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि 2014 में लोग मुझे नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे इलेक्ट किया, 2 टेन्योर दी और अब तो लोग मुझे थोड़ा बहुत हर एक चीज में देख के जान रहे हैं, तो उन्हें ये पूरा यकीन है कि 2024 में जब इलेक्शन होंगी तो लोग फिर से उन्हें चुनेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का एक और इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उनका जो मिशन है, जब उनसे पूछा गया कि किस मिशन मोड पे वो काम करें, तो उनका ये कहना है कि मेरा जो एकमात्र उद्देश्य है कि मैं किस तरह अपने देश के लिए, अपने देशवासियों की डेवलपमेंट के लिए काम करता रहूं।